दोस्तों मोटो की बात करें तो पिछले कुछ समय से हमें काफी सारे डिवाइसेस देखने को मिल रहे हैं जो कि प्राइस के हिसाब से फीचर से लोडेड हैं, एंड आई गेस इट्स ब्रिंगिंग बैक मोटोज लॉस्ट कस्टमर्स। वेल, हमने लास्ट वीडियो की थी शायद मोटो के मोस्ट एक्सपेंसिव फोन यानी मोटो लेजर 5G पर, नहीं देखी तो वीडियो का लिंक ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इसके एंट्री ग्रेड स्मार्टफोन यानी कि मोटो E7 प्लस के बारे में, और वीडियो में इसके प्रोज और कॉन्स भी लिस्ट कर दिए हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट द बॉक्स ऑफ मोटो E7 प्लस लुक्स लाइक। अब चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स और नजर डालते हैं बॉक्स कंटेंट्स पर। चलिए अनबॉक्सिंग के बाद बात करते हैं फोन के डिजाइन एंड बिल्ड की। तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ट स्ट्रॉन्ग, फोन कहीं से फ्लेक्स नहीं होता, फोन थोड़ा बल्की जरूर लगता है। इसका वेट 200 ग्राम्स के आसपास है क्योंकि इसमें 5000 एमएच की मैसिव बैटरी दी गई है। रियर साइड पर आप देखेंगे तो डुअल कैमरा सेटअप है जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसा दिखता है, साथ ही टिपिकल मोटो ब्रांडिंग के साथ एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, और हाँ इसमें एक फेस अनलॉक फीचर भी है। साइड लुक्स की बात करें तो काफी बल्की दिखता है, एजेस थोड़े और टेपर्ड होते तो एक कॉन्फिडेंट ग्रिप जरूर मिलती। कंट्रोल बटन्स यहाँ आप देख सकते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स और पावर लॉक बटन और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन तीनों फोन के राइट साइड पर प्लेस्ड है। लेफ्ट साइड में हमें सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है जहाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एंड आई विल पॉइंट इट आउट ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है जो हमने मोटो के फोन में नोटिस किया है। अब चाहे वो वन फ्यूजन प्लस हो या यही E7 प्लस, दिस इज व्हाट मोटो हैज टू रेक्टिफाई। एनीवेज नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और माइक दिया गया है। ऊपर हेड की तरफ आपको एक 3.5mm जैक मिल जाता है। सामने की तरफ एक 6.5 इंचेस की LCD स्क्रीन है विद सपोर्ट्स HD+ रेजोल्यूशन। बेजल साइज थोड़ा कम है बट आई वोंट से द सेम फॉर द चिन। कंटेंट लुक्स नेचुरल, और आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसे बूस्ट और सैचुरेटेड सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। डेलाइट यूजेज सीम्ड फाइन। अंडर 10 के प्राइस में ठीक ठाक डिस्प्ले यहाँ आपको मिल जाती है। क्विकली जंप करेंगे कैमरा पर तो रेयर साइड पर डुअल कैमरा सेंसर है जहाँ एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और एक 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस आपको मिल जाता है। सेल्फीज के लिए आपको 8 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का आपको 10K से कम में बहुत ही चुनिंदा फोन्स में मिलता है, सो दिस इज एन एडवांटेज ऑन दिस। और कैमरा सैंपल्स पर नजर डालेंगे तो सर्टनली काफ़ी डिटेल शॉट्स मिलते हैं। कलर बैलेंस इज गुड, पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन भी डिसेंट है, नाइट विजन से लिए गए शॉट्स आर ओकेज फॉर नाइट फोटोग्राफी। सेल्फी कैमरा और बेहतर हो सकता था। इस प्राइस में कम्पीट करता है रियलमी नार्जो 20A से, और कहीं ना कहीं हमें E7 प्लस का कैमरा बेटर लगा नार्जो 20A से। वेल, नार्जो 20A का रिव्यू लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं गो अहेड हैव अ रीड। प्रोसेसिंग की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट दिया गया है जो कि क्वालकॉम का रिसेंटली लॉन्च्ड एंट्री लेवल चिपसेट है। डे टू डे यूजेज की बात करें तो इट वर्क्स फाइन, एज सच कोई नोटिसेबल लैग हमने विटनेस नहीं किया। आप चाहें तो इस पर थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन इट जो ठीक ठाक चला, बट वी वोंट रिकमेंड इट एज अ गेमिंग फोन। बाकी इसमें आपको LPDDR4X 4GB रैम का सपोर्ट मिल जाता है और 64GB इंटरनल स्टोरेज एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा कम लगेगा, तो जुडिशियली इसकी मेमोरी को आप यूज करें। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज गुड ऑन दिस वन क्योंकि हमें स्टॉकिश एंड्रॉयड 10 एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है जो कि एड्स फ्री है, काफी क्लीन OS है, एज सच ब्लोटवेयर रिव्यू यूनिट में नहीं दिखने को मिला। रिटेल यूनिट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और हाँ इस पर आप मोटो एक्शंस भी यूज कर सकते हैं। आखिर में बात करेंगे बैटरी की तो 5000 mAh का मैसिव बैटरी सपोर्ट यहाँ आपको मिल जाता है जो कि मॉडरेटली यूज करने पर एक दिन से ज्यादा चलेगा। बैटरी माइलेज स्ट्रॉन्ग बट 10W चार्जर इज अ बिट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि इसे जीरो से फुल चार्ज होने में लगभग 4 घंटे के आसपास लगते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फाइनल वर्डिक्ट देंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए, तो प्रोज में आएगा इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा जो कि प्राइस के हिसाब से काफी एप्ट है। 5000 mAh का डिपेंडेबल बैटरी माइलेज इज अनदर प्रो। क्लोज टू स्टॉक UI एक्सपीरियंस और स्नैपड्रैगन 460 की कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस आर द reasons why यू कैन buy इट। कौन सा कमियों की बात करें तो 10W चार्जर इज रियली स्लो फॉर सच अ बिग बैटरी, मिसिंग डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट एक और कौन है इसका, और इसका डिजाइन भी थोड़ा बल्की है। तो ये कुछ रीजन हैं जो इसके फेवर में नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो इसके 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस है 9,499 रुपीज और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। डिटेल्स, स्पेक्स, रिव्यू ब्लॉग
और बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई आपकी क्वेरीज हैं कमेंट करिएगा, वील गेट बैक टू यू। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। पीस आउट।